ये दो भाई भी चैनल बनाना चाह रहे हैं आपके भाई को देख के कि आप फेमस हो रहे हैं तो हम भी फेमस हों। तो हम यहाँ कमाल चिश्तियाँ के मज़ार पे आए हैं। मुजम्मिल भाई ने देखना था और इन्होंने कभी नहीं देखा, कहते हैं मुझे दिखा के लेकर आओ। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर 100 सीढ़ी चढ़नी पड़ेगी और उसके बाद ऊपर पहुँचना पड़ेगा। और सिद्धेश भाई ऊपर से इशारे कर रहे थे कि बाकी 100, मैं कहा जी 100 गिन लें आप। तो ऊपर जा रहे हैं अभी फिलहाल। और नीचे हैं डबल सीढ़ी। ये क्या लॉजिक हुई? नहीं, इस पर क्या लॉजिक है? थोड़ी कदम लंबा होगा तो कम से कम। ऐसा करो ना कि इधर मुझे बाहर जूते दे दो, अंदर से हो। लोग अंदर गए और मैं यहाँ पे उनकी जूतियों की हिफाजत कर रहा हूँ। वो गए हुए काफ़ी देर हो गई है और अभी तक आए नहीं। मेरी आँख में पता नहीं क्या चला गया, मैं कहा था ना आया हूँ तो पानी का कुछ मेरे को ज़र्रात है जिसकी वजह आँख में चला गया। अजीब सी हो रही है। खैर वो आते हैं तो फिर हम कुछ और चीज़ें खाते हैं हमको बाबा कमाल चिश्ती मज़ार की। और एक ये भाई, तो चलो चलें आगे। आज टूर गाइड बना हुआ क्योंकि मुझे चीज़ें इधर की पता है, जो कि 2 से 3 बार मैं आ चुका हूँ। प्रॉपर डॉक्यूमेंट्री विज़िट करने और इस बार इनको लेकर आया हूँ तो अपनी पुरानी नॉलेज का फ़ायदा लिया जाए और इनको बताया जाए कि यहाँ पर क्या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिस पे यहाँ पर ये है जी कुआं। और इस कुएं की हकीकत यह है कि ये कितने हज़ार फीट गहरा कुआं था। और एक और बात थी इस कुएं की कि अगर आप कोई भी चीज़ फेंकते थे इस कुएं में, कितनी देर बाद जाके आवाज़ आती थी। अच्छा खासा गहरा कुआं था। तो फिर इधर वो डिफरेंट चीज़ होने लगे, जो हो जाता है कि सुसाइड हो गई या कुछ भी इस टाइप की चीज़। तो तब से फिर इन लोगों ने फैसला कि इसको बंद कर दें। तो ये डिफरेंट चीज़ें फेंक के इसको बंद कर दिया। वही मतलब सब चीज़ें करके इसको टोटली बंद कर दिया और ख़त्म कर दिया कुएँ को। अच्छा, कोई ट्रैकिंग का सीन है? मतलब हाइकिंग करना चाहते हो आप? हाइकिंग करना चाहते हो तो आप बताओ। दूसरा जो आप कह रहे हो ना कि ये बादशाह भूषा का सीन नहीं है। यहाँ पर सीन ऐसा था कि कसूर में तकरीबन कुछ पहाड़ियाँ थी जो शहर अब बाद में आबाद हुए हैं ना। पहले ठीक है, नहीं और भी पीछे भी थी और आगे भी होंगी। तो सीन इस तरह था कि जो है ना दरिया का पानी जो कितने हज़ार मतलब कितने किलोमीटर पीछे है वो आता था यहाँ तक, मतलब कसूर पानी में होता था। तो इन बाबा के बारे में ये कहा जाता है कि तब इन्होंने दुआ वगैरह करके पानी को पीछे किया और फिर यहाँ पर आबादी, वरना यहाँ तक पानी आता होता था, हदूद थी। तो इसी वजह से इनका यहाँ पर मज़ार है इस चीज़ पे, इसी वजह से है। बाकी अगर आप हाइकिंग करना चाहते हैं तो वहाँ पर मेरा पिछला व्लॉग था तो उसमें आप देख सकते हैं, उसमें मैंने की भी थी। इधर से आओ, एक और बंदे को बैठते हैं। शदेब आजो। तो हम हाइकिंग करते हैं। चलो जमील भाई सबसे पहले आ, और पीछे हैं जी शजेब भाई, हेलो कर दो। और ये हम जा रहे हैं अगेन हाइकिंग पे। लोग मुश्कपुरी जाते हैं, सवाद जाते हैं, कहाँ कुछ नहीं जाते हाइकिंग करने। हम कसूर आए हैं। उधर आज़ाद कश्मीर भी हाइकिंग की है ना, इतनी खतरनाक नहीं। यार एडवेंचर तो करने का शौक है ना, खतरों के खिलाड़ी, फियर फैक्टर। रास्ते सारे जाते हैं, नीचे ही जाते हैं, खतरनाक है। इधर तो बंदा, अच्छा लास्ट टाइम मैं यहाँ से ऊपर गया था। इधर जाओ ना, इधर से इधर ऊपर जाओ, इधर से नीचे नहीं जाना, ऊपर जाओ ना। हाइकिंग करनी तो ऊपर जाओ जितना मैक्सिमम जा सकते हो। बस सब ठुओं का ख्याल रखना आप पे ही। शेर चीते भी आ सकते हैं और अगर कोई जिनशिन मिल गया तो सलाम करना। पहुँच गए, यहाँ से गए थे और वहाँ पे निकले हैं। इनकी हाइकिंग कामयाब हुई और ये वापिस आ रहे हैं। दूसरा भाई कहाँ गया है? उनको कुछ मिल गया या वो किसको मिल गए हैं? मज़ा आया फिर आपको हाइकिंग का? बड़ी खतरनाक खौफनाक हाइकिंग है। लोगे तो फिर खतरों के खिलाड़ी बनोगे ना, लाइक मी। वो भाई वापिस आ रहे हैं। ये इस तरह से वापिस आके मेरे ख्याल से आधे रास्ते में डर गए थे और वीडियो बना रहे, इधर घूम रहे थे तो ये दो भाई मिले हैं, कसूर के रिहायशी हैं। तो इनसे हम थोड़ी सी डिटेल ले रहे थे यहाँ की, तो इन्होंने एक यहाँ की फेमस जगह बताई, क्या थी यार? ये लोग जो है ना, पता नहीं हम एक जगह बता रहे हैं, अब वो पता नहीं बंगला, भाई यार बंगला कुछ कह रहे हैं, बांग्लादेश भी नहीं। अब वो जगह पीछे कह रहे हैं कि है यहाँ पे, तो पता नहीं वो कैसी जगह है, जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि वहाँ पर क्या है, लेकिन इनके एक्सप्रेशन से तो नहीं लग रहा कि जाना चाहिए। ये दो भाई भी चैनल बनाना चाह रहे हैं आपके भाई को देख के कि आप फेमस हो रहे हैं तो हम भी फेमस हों, तो इन लोगों का चैनल जल्द ही आ जाएगा, मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो आप लोगों ने इनको भी सब्सक्राइब करना लाजमी है और सपोर्ट फुल देना। नाम आप दोनों ने नाम नहीं बताया। मेरा नाम भाई सिद्धार्थ है। तो इन दो भाइयों से मिले थे, कसूर के ही रिहायशी हैं, तो मिलकर यार बड़ी खुशी हुई आपसे। तो आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। हम आइए और हमारे सब दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि भाई का जो चैनल है उसको ज़रूर सब्सक्राइब करें। भाई बहुत अच्छे तरीके से वीडियोस बनाते हैं और आपको भी इंशाल्लाह ज़रूर आप मोटिवेट होंगे इनसे। थैंक यू यार। तो सो चले अब चलते हैं अगले अपने लोकेशन पे और फिर वहाँ जाके आपसे बात करते हैं। दिया था और मछली आ गई, लेकिन वो दोनों नमाज पढ़ने गए। कुछ यूँ कि मछली आए, काफ़ी देर हो गई थी और वो आए नहीं, तो वेटर को मैंने कहा कि मछली किसी और को दे दे, तो वो मछली ले गया। तो अच्छी बात है कि हम लोग गरम गरम खाएंगे क्योंकि काफ़ी देर ही होगी उनको गए हुए और अभी तक वो आए नहीं। और कसूर आए और गरम गरम मछली ना खाए तो फिर मछली खाने का फ़ायदा नहीं है, तो मज़ा वैसे गरम गरम मछली का ही आता है। हमने ऑर्डर दोबारा दे दिया, दूसरा बशिंदा भी पहुंच गया है। ये दूसरा बशिंदा भी हमारा पहुंच गया है। इस बंदे की वजह से मछली आके दोबारा गई, इस बंदे की वजह से। इस बंदे को मैंने कहा था कि आज 2 मिनट सब्र कर ले। और आपको तो बता दें, नमाज जरूरी है या मछली पहले जरूरी है, बताइए। इस बंदे ने जो है ना बात ऐसी की है कि मैं इसको क्या कहूँ, लेकिन बदला तो मैं दूँगा। तो मैं मेरी वीडियो बना रहा है, मैं इसकी बना रहा हूँ। बदला हमने पहले से ले लिया, थोड़ा सा इसके साथ वो करूँगा। इसको हमने 2 किलोमीटर पैदल चलवाया धूप के अंदर। ये बदले लिए जाएंगे। मछली आके जा चुकी है, आपको पता है? अच्छा, आ गई थी, थोड़ी देर बाद ही आ गई थी, तो कहा उनको के ले जाए। और हम शुरू करते हैं मछली सीन और फिर आप लोगों को बताते हैं कि इसका टेस्ट कैसा है, क्योंकि मैंने जावेद की खाई हुई और कोई नहीं खाई हुई। ये दूसरा है मानो मछली वाला, तो बाकी बातें खाने के बाद। मछली हम लोगों ने खा लिया, लेकिन अंकल जी कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं दे रहे थे कि वीडियो बनाने में, तो इस वजह से शॉर्ट्स ज़्यादा नहीं ले सके, लेकिन नो डाउट मछली अच्छी। वो लोग अंदर गए हैं बाबा बुल्ले शाह के मज़ार पे, तो मैं बाहर वेट कर रहा हूँ। जो अंदर से हैं तो अंदर से लेते हैं, तब तक हम